हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल कैसे हाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइल को हाइड किया जाता है। सिंपली आपको जाना है स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद कंप्यूटर, मैं अब मूवी फोल्डर से आपको एक मूवी हाइड करके दिखा रहा हूँ। दूसरी इस मूवी को भी मैं हाइड करने वाला हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज, जो लास्ट में प्रॉपर्टीज, वहाँ पे एकदम नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एट्रीब्यूट्स में रीड ओनली एंड हिडन, दो ऑप्शन। तो आपको हिडन पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है एंड ओके। वो फाइल गायब हो गया। अब अगर आपको वो फाइल फिर से लाना है तो आप कैसे लाएंगे? तो वहाँ पे ऊपर आने का ऑर्गेनाइज ऑप्शन है। ऑर्गेनाइज में आपको नीचे मिलेगा एक ऑप्शन फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन ऊपर ऑप्शन है जनरल व्यू एंड सर्च, तो व्यू में जाना है आपको। व्यू में जाने के बाद डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर और ड्राइव्स, मतलब नहीं दिखा रहा है, मतलब डोंट शो, आपको शो करना है शो हिडन फाइल्स, अप्लाई ओके। इतना करने के बाद वो आपको जो फाइल है वो फिर से आ जाएगी, देखिए। मगर अब वो कलर थोड़ा उसका लाइट लग रहा है, तो मैं उसका भी प्रॉपर्टीज अब फिर से चेंज कर देता हूँ। हिडन का निकाल देता हूँ, रीड ओनली अप्लाई ओके। देखो जो कलर हुआ वो फिर से डार्क हो गया, मतलब वो हिडन था फाइल, प्रॉपर्टी चेंज किया था, वो भी नॉर्मल हो गया। ऐसे हम लोग अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।